ब्लॉगर लोग होते हैं ना, चश्मा लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो एक तो थकावट नज़र नहीं आती है, थकावट नज़र नहीं आती है और थोड़ा सा सुंदर भी लग जाता है। देसी मोटार्ड एंड टुडे आई एम हियर एट कनॉट प्लेस टू मीट चिंतामणि जयपुर एंड हिज मीटअप इज ऑर्गेनाइज्ड हियर, सो लेट्स मीट हिम एंड ज़्यादा बात क्या करना है, अब सीधे चलिए उनको उनसे मिलाता हूँ आपको। यूट्यूब पे आ गया ना भाई लोग, मैं मेरे 33 साल की जिंदगी में जितना दुनियादारी उतना एक साल के यूट्यूब के करियर में एक से एक बहुत प्यारे प्यारे लोग उसका आपने बोला भी ना, पहले मैं चीज़ें जो बोलता रहता था ना, मैं किसी चीज़ के लिए दुखी होता रहता था, वो सब छोड़ दी, वो सब छोड़ दिया मैं, अब बिंदा पॉजिटिविटी ज़्यादा है, जो है मेरे पास बहुत है, बहुत है। आज के डेट में कैमरा भी टूट गया कोई देखते नहीं, बहुत है मेरे पास, नश्वर चीज़ है ये सारी चीज़ें नश्वर है जो आज हम लोग बना रहे हैं। आप लोग एक प्रॉमिस करो कि आज मैं यूट्यूबर हूँ, है ना, आज मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं जो हैं, आप मुझसे कभी भी मिलता है ना तो एज ए चिंता बनी मिलता, कभी अगर मेरे घर आते हो, मेरे गाँव आते हो तो भैया समझ के आ रहे हैं। एज ए अगर कोई यूट्यूब चैनल चलाता है तो एज ए यूट्यूबर मत आना कभी, अगर कोई यूट्यूबर आता है तो मेरे को इतनी खुशी नहीं होती है, सच बता रहा हूँ, लेकिन जब कोई ऐसी सिंपल बंदा आता है बहुत फोन का है, और अगर कोई आता है और कोई यूट्यूबर आता है ना और सिंपल आता है मेरे को ब्लॉगिंग करना शुरू करता है तो आ जाता है बढ़िया, मैं बातचीत करता हूँ, मैं मेरी ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है, मैं खुद उसको साउंड आउट देता हूँ, सामने वाला मना करता है मेरे को कि भाई मेरे को साउंड आउट मत दो, वो चैरी मेरे को मना कर रहा था, बहुत सारे ब्लॉगर थे अतुल वतुल मेरे, ये वैभव मेरे को मना करता है कि मेरा यूट्यूब चैनल को मेरे को मत दो, साउंड आउट मत दो, लेकिन मैं ज़बरदस्ती देता हूँ, और जब कोई साउंड आउट मंग देता है मेरे को तो सही बता रहा हूँ, मतलब वो फिर एक फील आ जाता है कि ये चिंता मुझे मिलने नहीं आए हैं, लेके आइयो भाई, लेके आइयो उसको, ये यूट्यूब जो है ना हॉबी कह सकते हैं, अगर मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाए कुछ भी हो जाए तो भी मैं यूट्यूब बनाऊंगा, इसी शिद्दत से बनाऊंगा, मैं इस चीज़ के लिए बनाऊंगा। हेलो, मान लो खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो ना, मान लो कि आपके पेरेंट्स जा रहे हैं एक कार में और उनका एक्सीडेंट हो गया, वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहते, मान लो तो सभी लोग परेशान हैं, ऑब्वियस होंगे आप ही दुखी होंगे, उस मोमेंट पे जो चीज़ आपको आपको सबसे ज़्यादा खुशी दे सकती है, भाई आपका पैशन है आप बन चले, सबसे ज़्यादा खुशी क्या दे सकती है आपको, वही आपका पैशन है, वही आप चले जाओ, वही आपका पैशन है। जब मैं गुस्सा होता हूँ, जब मैं दुखी होता हूँ, जब मैं खुश होता हूँ, मैं हमेशा बाइक उठा के निकल जाता हूँ, फ़ोन बंद कर देता हूँ, फोन ऑन बंद करके घर में किसी को नहीं बताता कहाँ जा रहा हूँ, बाइक निकल जाता हूँ, मेरे को खुद को नहीं बताया कहाँ जा रहा हूँ, मतलब मैं कौन सा टर्न लूँगा, मैं उस टर्न पर लास्ट मोमेंट पर डिसाइड करता हूँ कि लेफ्ट जाना है कि राइट, और जब मैं मेरा जो फ्रस्ट्रेशन मेरा गुस्सा था मैं फुल रिलैक्स फुल डाउन हो जाता हूँ, चाहे 50 किलोमीटर हो 150 किलोमीटर, उसके बाद फिर चुपचाप घर आ जाता हूँ, वही है। बहुत शूट कर रहा है, छोटा तो नहीं लग रहा है, कर रहा है। नहीं आंखें नजर आ रही है क्या पूरी भाई, थैंक यू। अरे नहीं नहीं हाथ छुड़ा है, ये इतनी अच्छी फोटो ली है यार, मैं तो और इंटेलिजेंट टाइप दिख रहा हूँ। आप ही सही है सर, तो क्या बोल रहे हैं भाई लोग, अब निकला जाए क्या, अब बस 2 ही घंटा सोया हूँ, मेरी आंखें लाल दिख रही होंगी, हाँ दिख रही है, क्योंकि हम लोग जो ब्लॉगर लोग होते हैं ना, चश्मा लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो एक तो थकावट नज़र नहीं आती है, थकावट नज़र नहीं आती है और थोड़ा सा सुंदर भी लग जाता है। थैंक यू आने के लिए, थैंक यू। ये
नहीं यार अपन को चौड़ा चौड़ा लगता है कि इस तरह के भाई लोग भी चौड़े बॉडी बिल्डर लोग अपना अपने भाई हैं यार अपना छोटा भाई है दिल्ली में कुछ हुआ बुला लेंगे डाले एक एक इंस्टा पे स्टोरी डाल देंगे आ जाएंगे हमारे जवान लोग मतलब ये जो फीलिंग है ना ये जो कॉन्फिडेंस है कुछ लोग इसको घमंड का नाम देते हैं लेकिन ये है मेरा घमंड है तो मतलब ये जो प्यार है तो है भाई इसका घमंड है चलो और क्या बोल सकते स्टोरी डाल देना सर बस जितना टाइम लगाने में लगेगा हाँ मेरा पास में द्वारका में रहता हूँ हाँ मतलब अच्छा अच्छा लग रहा है बढ़िया फील हो रहा है मेरे को इसीलिए तो आज मैं पूरा दिल्ली एक्सप्लोर करने का आज का इटिनरी था भूसा चलाना था जेसर बाजी का वो सब कैंसिल भाई लोग से मिलने जा रहा चांदनी चौक वगैरह नहीं गए दिल्ली में कहीं नहीं गए वो सब कहीं नहीं जाएंगे वो चांदनी चौक के लिए वगैरह जाएंगे वो सब अगले साल भी रहेगी अगले साल नहीं सर फिर अगले वो हमेशा रहेगी अगले साल भाभी वगैरह सबको लेके सबको लेके आएंगे गोलू भाई जितेन वितेन सबको लेके आएंगे बढ़िया से अच्छे से करेंगे बस अभी जब तक हम लोग की फैमिली छोटी है ना तब तक हम लोग ये जो मीटअप वगैरह कर ले रहे हैं आसानी से अभी बातचीत जब हो पा रही है अभी निखिल को देखो निखिल इस तरह का मीटअप नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता भगदड़ मच जाती है तो जब तक मेरे पास वो मौका है जब तक हमारी फैमिली छोटी है तब तक मैं जितने ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाता हूँ छोटी नहीं है हाँ बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है तो जब तक मैं अच्छे से कनेक्ट हो पाता हूँ तब तक मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं सबसे मिलने की आप लोग विश्वास नहीं करोगे लोग कहते हैं आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते मैसेज का मैं हर रोज़ मेरा रूल है मैं कम से कम 10 नए लोगों को कुछ लोग कमेंट पे अपना नंबर छोड़ते हैं मैसेज पे अपना नंबर छोड़ते हैं मैं सबको कॉल करता हूँ मैसेंजर पे सबको वीडियो कॉल करता हूँ गोलू से बात कराता हूँ ज्योति से बात कराता हूँ कई बार कम से कम 5-10 लोगों को मैं हमेशा करता हूँ जब भी मैं डाउन फील करता हूँ क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलती है बहुत एनर्जी मिलती है लेकिन अब मैं क्या करूँ मैं अकेला हूँ अब आप लोग 1,00,000 हूँ मैं सब किसी से कनेक्ट नहीं हो सकता मैं थक जाता हूँ बात करते करते कई बार तो बस मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरा लाइफ कुछ कहाँ से कहाँ ऐसा जिंदगी मेरा पलटा खाएगा कि मैं कभी फ्लाइट में आऊँगा दिल्ली आऊँगा आप लोगों से मिलूँगा ऐसा मतलब सपना है आज भी मेरे को सपना लग रहा है सर अभी तो स्टार्टिंग है बस अभी स्टार्टिंग है अब देखें ऊपर वाले की क्या मर्जी है भैया ने बोला कि बिल्कुल जेन्युइन वैसे ही है रियल लाइफ में भी तो नहीं 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 ये झूठ बोल रहा है कैमरे में मैं जितना काला कैमरे में दिखता हूँ उतना मैं नहीं हूँ मैं थोड़ा गोरा हुआ है ना फॉर्मल लोग व्लॉग नहीं कर सकते व्लॉग जो होता है ना लोग क्यों देखते हैं हमको उनको इंटरटेनमेंट चाहिए रोटलू चेहरा वाला कोई अगर व्लॉग करता है उनको कोई देखना पसंद नहीं करेगा क्योंकि उनकी अपनी लाइफ में लेके तो विदाउट सब्सक्राइब चले जाएगा इतनी लाइफ अपनी खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है कोई हमको देखता है ना यार तो कुछ इंटरटेनमेंट चाहता है कुछ मोटिवेशन इंस्पिरेशन चाहता है मेरी भी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी होती है बहुत सारे दुख वाले चीज़ होते हैं मैं शेयर नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझे देखे मेरे व्लॉग से कनेक्ट हो वो इंस्पायर हो या फिर वो एक पॉजिटिव फील करे जब मैं मेरा मूड ख़राब रहता है मैं घर से नहीं निकलता हूँ जब तक चेहरे पे स्माइल नहीं होगी मैं घर से नहीं निकलता हूँ क्योंकि वो ना फैलती है नेगेटिविटी फैलती है और पॉजिटिविटी भी फैलती है स्माइल भी फैलती है तो फ्रेंड्स टुडे आई एम हियर विद चिंतामणि जयपुरी और मैं हूँ वन एंड ओनली नवनीत भाई के साथ में एंड मैं इनकी CMG फैमिली का एक पार्ट हूँ और मैं काफ़ी दिनों से इनकी वीडियोस फॉलो कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई से मिलके बहुत बहुत इनका नेचर जो इनकी खासकर जो इसकी इनकी स्माइल है बहुत क्यूट है बहुत क्यूट है और अच्छा लग रहा है इनसे मैं वेट कर रहा हूँ जल्द से जल्द ये अपनी लाल परी को लेके आए लाल परी क्या बात जरूर जल्दी आएगी बिल्कुल जल्दी आएगी मिलते हैं इनके नेक्स्ट वीडियो में और इनको ज़रूर फॉलो करिए और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब अगर आपने भाई का चैनल यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ एक लाइक करिए भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सपोर्ट करिए इनके वीडियोज़ को अगर आपको अच्छे लग रहे हैं सच में तो सब्सक्राइब करिए अच्छे नहीं लग रहे हैं तो भी इनको बताइए कि क्या अच्छा बिल्कुल जो भी कमी अगर क्या कमी है आप इनको बताइए इम्प्रूव करेंगे प्रॉमिस करो आप बिल्कुल ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर कोई भी आपको कमी लगती है मुझे या कोई इम्प्रोवाइजेशन चाहिए तो मैं उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा तो बेस्ट ऑफ लक नवनीत भाई बड़ा अच्छा आप लोगों ने मिलके और मुझे भी आप लोगों ने मिलके बड़ा अच्छा लगा एक बार आके मेरा चैनल भी चेक करिए अरे सर का चैनल तो सबसे पहले चेक करिए शायद उसमें मैं भी दिख जाऊंगा थैंक यू सर वेलकम 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 हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ देसी मोटार्ड एंड टुडे आई हैव केम हियर टू विद Hello friends, welcome to another video of Desi Motard and today I am here at Hello friends, welcome to the another Desi Motard यार कोयो वाले हाँ नहीं करेंगे उस टॉपिक वाला जो वीडियो होगा उसको बता हाँ गलत हो जाएगा कंट्रोवर्सी हो जाएगी
ब्लूपर्स में डाल देना है। आप कुछ बोल रहे हैं थोड़ा सही? हाँ हाँ बताइए। तो फ्रेंड्स टुडे आई एम विथ हियर बैठ जाते हैं अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कैमरा कौन सा है? सोनी NEX5 ये काफी पुराना मॉडल है, इसके और भी नए मॉडल आ गए हैं।